जिद्दी तो है, काम करने की जिद है, देश को ऊपर ले जाने की जिद है। इंडिया गठबंधन में अब साफ साफ दरार नजर आने लगी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अब छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजा दिया है। छत्तीसगढ़ में केजरीवाल ने एक से बढ़कर एक लोक लुभावन वादे किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वे हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया करवाएंगे, वहीं नौकरी मिलने से पहले तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपया महीना भत्ता दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के लिए कई गारंटियों की घोषणा की है। केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती है। पार्टियों में आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी होती है, जो बातें हम करते हैं। मुझे नहीं लगता आज तक भारत की राजनीति में किसी ने इस किस्म की बातें की होंगी। जब भी पार्टियां चुनाव होता था आके वोट मांगती थी, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है। मैंने आज तक भारत को आजाद हुए अब 76 साल हो गए, 76 साल में एक भी दूसरी पार्टी को, मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा जो आपके आके कहे कि आपके आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। एक भी पार्टी आज तक नहीं आई, अकेली पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है। हम नेता नहीं है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। भगवंत मान बहुत बड़े कॉमेडियन थे, खूब पैसा कमाते थे। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो जितने मर्जी पैसे कमा सकता था, तो पैसा कमाने तो नहीं आए राजनीति के अंदर। अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद एक पार्टी बनी, किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि एक नई पार्टी इतनी जल्दी उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता का प्यार था, जनता का भरोसा था। हमने तो कुछ किया नहीं था, लोगों को लगा यार ये लड़के बड़े शरीफ हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी तो हैं। लोग कहते हैं केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी तो हैं, काम करने की जिद है, देश को ऊपर ले जाने की जिद है। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में वादों की बौछार कर दी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है। अगर केजरीवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन बनाने का फायदा क्या हुआ? साफ है कि इंडिया गठबंधन में दरार अभी से नजर आने लगी है। बढ़ते वक्त के साथ इन दरारों के खाई में बदलने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार के सामने एक बार फिर बिखरा हुआ विपक्ष नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू5 नेटवर्क।